एंड नेक्स्ट जो है उसने बताया, हम नेक्स्ट को देखते हैं लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूशन के बाद लॉ ऑफ क्लोजर, वो देखिए। हम कहता है कि हमारे माइंड के सामने जब भी इनकम्प्लीट पिक्चर जो है, हमें विजुअली कोई इनकम्प्लीट पिक्चर जो है प्रेजेंट की जाती है, द लॉ ऑफ क्लोजर कैप्चर्स द आइडिया दैट कि व्हेन वी सी इनकम्प्लीट एलिमेंट्स इन विजुअल, कि हमारे सामने कोई भी इनकम्प्लीट पिक्चर जो है वो प्रेजेंट की जाती है, तो हमारा माइंड जो है उसको एज अ होल ही लेकर चल रहा होता है। हमारा माइंड हमें हिंट देता है कि ये फलां चीज़ है और ये फलां चीज़ है, और हम उस इनकम्प्लीट पिक्चर को जो है वो खुद ही कम्प्लीट कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारा माइंड हमेशा चीज़ों को जो है वो एज अ होल परसीव कर रहा होता है रादर देन द पार्ट्स में। और उसके बाद लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड है। लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड में क्या होता है कि हमारी आइज़ डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं, हमें हमारी आइज़ बता रही होती हैं कि वट इज़ द प्रॉपर शेप, कि शेप क्या है और ऑब्जेक्ट, यानी कि शेप क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और एक्चुअली द बैकग्राउंड जो है वो क्या है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए, इसी तरह कुछ लोगों के लिए जो है व्हाइट कलर का, कुछ लोग उसको वाज परसीव करते हैं, और जो ये साइड पे जो ब्लू कलर का है इसको बैकग्राउंड परसीव करते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों को कहते हैं कि हमारी आइज डिफरेंशिएट कर रही होती हैं कि डिफरेंशिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सराउंडिंग एरिया, शेप इज नेचुरली परसीव्ड एज अ फिगर व्हाइल द सराउंडिंग एरिया इज परसीव्ड एज अ बैकग्राउंड, ठीक है। कहता है कि शेप जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट, हम उसको परसीव कर रहे होते हैं, उसको जो है वो ऑब्जेक्ट ही समझा जाता है, और जो सराउंडिंग एरिया होता है हम उसको बैकग्राउंड का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। जो नेक्स्ट मेजर इसके जो कंट्रीब्यूटर थे वो है कर्ट कोफ्का। कर्ट कोफ्का के बारे में बताती चलूँ, इन्होंने फेमस बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1935 में। इन्होंने जो मेजर वर्क था, इन्होंने बात की ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट वर्सेस बिहेवियरल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि हाउ द ह्यूमन परसीव, हाउ द पीपल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हाउ दे परसीव द एनवायरनमेंट। हम किसी के बिहेवियर को इस तरह जज कर सकते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट को लेकर किस तरह परसीव कर रहा है। हमारे लिए एनवायरनमेंट का होना हमारे लिए किसी भी एनवायरनमेंट को हमें जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है, इट डिपेंड करता है कि हम उस एनवायरनमेंट को कैसे लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन बट वो फिर भी अपने इस एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे होते, उसमें भी वो हमेशा डाउट निकाल रहे होते हैं कि मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, क्योंकि ये उनकी परसेप्शन होती है, वो अपनी परसेप्शन के थ्रू चीज़ों को देख रहे होते हैं। और कर्ट कोफ्का ने ज्योग्राफिकल वर्सेस बिहेवियरल एनवायरनमेंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था कि नंबर वन, पीपल बिहेवियर को हम कैसे डिटरमाइन बाय करते हैं, हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे कि हाउ दे परसीव द एनवायरनमेंट, कि वो किस तरह एनवायरनमेंट को परसीव कर रहा है रादर देन द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। उसके बाद जो है वुल्फगैंग कोहलर, वुल्फगैंग कोहलर ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था इनसाइट एंड द ट्रांसपोजिशन का। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज पर, और चिंपैंजीज के ऊपर उन्होंने था एक एक्सपेरिमेंट किया था। और इनसाइट में क्या होता है, इनसाइट में हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियसली रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं हम अपनी सिचुएशन की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चिंपैंजी को जो था वो एक केज में बंद कर दिया। जब चिंपैंजीज को उन्होंने केज में बंद किया तो बाहर जो है उन्होंने कुछ चिकन की जो थे चिकन के पीसेस रख दिए। चिंपैंजी ने क्या किया, इनसाइट है, ठीक है, इनसाइट को समझने की कोशिश करें, स्पॉन्टेनियस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिचुएशन। वो केज में था, वो घूमना शुरू किया, वो केज में घूमता रहा, उसे पता चला कि देखें, उसने देखा कि कुछ केज में स्टिक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और उसको बाहर जो था वो चिकन का पीस भी नजर आ रहा था। उसने सोचा कि मैं जो हूँ, अगर मैं, उसने पहले सारे जो था वो केज का जायजा लिया, केज का जायजा लेने के बाद उसको वहाँ पे स्टिक नजर आई, ठीक है, ये उसका था इनसाइट। उसने स्पॉन्टेनियस रिस्ट्रक्चरिंग की अपनी सिचुएशन की, उसने अपने जो केज को था उसको स्टडी किया। उसके बाद ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन में हमने जो पहले सिचुएशन में, प्रीवियस सिचुएशन में जर्नलाइजेशन ऑफ अ नॉलेज फ्रॉम अ वन सिचुएशन टू अनदर, हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सीखी होती हैं पहले इवेंट से किसी सिचुएशन में, तो हम उस नॉलेज को यूज़ करते हैं न्यू सिचुएशन में, ठीक है। उसको स्टिक्स पड़ी हुई नजर आई जो था चिंपैंजी को, उसने सोचा कि देखें मैं अगर स्टिक्स को घसीटता हूँ, मैं स्टिक्स से पार जाता हूँ और मैं उन स्टिक्स को खींच कर बाहर पिंजरे की तरफ लाता हूँ, और मैं उसे अगर चिकन उठाने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने चिकन की जो पीस है मैं उसको अपने केज के जो अंदर है वो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। इसने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, इनसाइट एंड द ट्रांसपोजिशन। इनसाइट में क्या होता है, हम स्पॉन्टेनियस रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं ऑफ द सिचुएशन की, और ट्रांसपोजिशन में हमारे पास क्या होता है कि हम जर्नलाइज कर रहे होते हैं जो हमने पहले से कुछ लर्न किया होता है, उस इन्फॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन में यूज़ करते हैं। और ज़िगार्निक इफेक्ट क्या होता है, ज़िगार्निक इफेक्ट में वो कहता है कि वो तमाम टास्क हम बेटर तौर पर याद रखते हैं जिसमें हमें ज़्यादा इंटरप्शन का सामना करना पड़ा हो, कि हमें उन टास्क में जो है डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा हो। कहते हैं कि ज़िगार्निक इफेक्ट, द टेंशन कॉज बाय द अनफिनिश्ड टास्क हेल्प अस इन अ बेटर रिमेंबरिंग। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि हमें एक पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें वी शुड सी देम एज अ होल पर्सन। हमें हर इंसान को जो है एज अ ग्रुप में अगर हम उनको स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर होता है, और हमें एज अ एक इंडिविजुअल करेक्टर एक्सेस के ऊपर